वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक ये बाइक की बैटरी है, जो कि ये देखिए आप इस तरीके से है। AL Z9 बैटरी है और ये आपकी जो है 8 AH की बैटरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैपेसिटी 8 AH की है। एमको की बैटरी है 12 वोल्ट की। पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगा दिया, निगेटिव को निगेटिव से। तो इसमें एक ही कलर के वायर थे, मैंने देखिए इसको पॉजिटिव बना दिया। इसमें डबल 2.5 mm के हैं, सिंगल 4 mm को मैंने इधर ये निगेटिव बनाया, देखिए ब्लैक टेप लगा करके। और इधर आप देख पा रहे हैं पीछे साइड, ये देखिए इधर मैंने एक ज्वाइंट करके यहाँ पर ले जा करके इधर निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। और पॉजिटिव को आप देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया 2.5 mm को मैंने एक साथ कनेक्ट करके इस तरीके से इस पर कनेक्ट कर दिया है। और आगे आप देख पा रहे हैं मेंस ऑन है इस तरीके से। और चार्जिंग एम्पियर आप देख पा रहे हैं, इस समय बैटरी लगभग फुली चार्ज है, तो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, 1 से 2 एम्पियर ये आपका चार्जिंग उठा रहा है। तो मैं अभी मेंस को ऑफ़ करता हूँ, देखिए इस तरीके से। पहले मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। मैंने मेंस को किया ऑफ, देखिए सुई गिर गई। और वापस से मेंस को ऑन करेंगे तो देखिए ये थोड़ी देर में चार्जिंग उठाएगा, तकरीबन 10 से 15-20 सेकेंड में चार्जिंग ले लेता है ये। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसने चार्जिंग उठाई, पर फिर से चार्जिंग गिर गई क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है इस समय। और देखिए हम इन्वर्टर को भी ऑन करते हैं, मेंस पे ऑन ये बता रहा है आपका, और इसको बंद करेंगे तो ये इन्वर्टर मोड पे आ जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसको हम ऑन करते हैं, देखिए इधर ये मेंस पे आ गया। और देखिए मैं इन्वर्टर को कर दिया बंद, और इधर इस तरीके से देखिए दोबारा से मेंस को ऑन किया है मैंने, देखिए चार्जिंग ये फिर से उठाएगा ये देखिए, और फिर से चार्जिंग इसकी गिर गई है, देखिए 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर पे, 1 एम्पियर पे जाके रुक गई जाके, ये देखिए 0 से हल्का उठी हुई है, 1 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसको हम जो है इससे मतलब इन्वर्टर, बड़े इन्वर्टर पे एक बाइक बैटरी लगाएं कि ना लगाएं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बट आपका बैकअप वही है कि बैकअप कम होगा, बस 12 वोल्ट की सब बैटरियां होती हैं, बस इसका कैपेसिटी कम होती है। देखिए ऑटो कट भी होता है, देखिए 14.42 पे, 420 पे ये कट ऑफ हो गया है, मतलब कि बैटरी फुल चार्ज कर दिया इसने, इतने में इसके वोल्टेज स्टेबल रख रहा है। कुछ इन्वर्टर क्या करते हैं माइक्रोटेक वगैरह की, इतने में कट करके 13.33 पहुंच जाते हैं, पर ये जो है 14.1920 ऐसे में रुका हुआ है, ये स्टेबल रखता है और वो कट कर देते हैं 14.20 पे, फिर जो है वो 13.5 वोल्ट तक लगभग स्टेबल रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये बैटरी है। बस आपको जो है इसमें थोड़ा सा, अगर आप इसमें डेली यूज कर रहे हैं तो इसकी जो चार्जिंग वोल्टेज आप देख पा रहे हैं 14.19 है, इसको आप थोड़ा सा और कम कर दीजिए, 13.8-13.9 के अराउंड कर दीजिए। अगर इतना भी रख रहे हैं 14 वोल्ट तक रखें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ऑटो कट होता है, आपकी बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल भी बैटरी हीट नहीं है, जबकि ये 2 घंटे से लगी हुई है बैटरी, और बिल्कुल भी बराबर बैकअप भी ये हमें प्रोवाइड करा रही है। तो इस तरीके से अगर आपकी बैटरी डीप में भी है तब भी आप इसको इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, मतलब कुछ जान तो होनी चाहिए, बिल्कुल ही डीप में ना हो, नहीं तो फिर आपको देसी चार्जर लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से आप लगा करके देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव लगा करके चला सकते हैं। और मैं इसमें आपको थोड़ा सा लोड भी चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मेंस को कर दिया है बंद, आ गया है इन्वर्टर मोड पे। तो आइए अब हम बल्ब को चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इधर ये इन्वर्टर मोड पर है, और पीछे हम आपको दिखा दें, देखिए प्लग लगा हुआ है इस तरीके से, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए वायर गया हुआ है। और इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए इन्वर्टर मोड पर ये चल रहा है, जो कि देखिए इस तरह 14 एम्पियर ये ले रहा है, और बहुत ही गजब का एक चालू है इस इन्वर्टर से। और वहीं हम जैसे मेंस ऑन करते हैं तो देखिए मेंस से ऑन हो गया है, देखिए अब ये फिर से इन्वर्टर मोड पे आ गया है, अब ये फिर से वापस से मेंस मोड पे आ गया है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देखिए मैंने थोड़ी सी बैटरी को यूज़ किया है, और देखिए अब इन्वर्टर भी ऑन है, मेंस तो इन्वर्टर में बंद कर देता हूँ, कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से देखिए इसने इतनी चार्जिंग उठा ली है, जो है अब देख पा रहे हैं, ये देखिए चार्जिंग इसने ले ली है। और इस तरीके से देखिए फिर से चार्जिंग डाउन कर रहा है, क्योंकि बैटरी हो चुकी है फुली चार्ज। और इस तरीके से आप भी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और घर में छोटा मोटा यूज कर सकते हैं। 8 AH की बैटरी है, बढ़िया बैकअप देगी, और इसमें बड़ी बैटरी भी आप लगा सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आप बाइक बैटरी को इन्वर्टर पर लगा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।